और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्गों के 12% आरक्षण घटाए जाने के विरोध में शनिवार को चक्का जामकर विरोध किया गया है। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर 2 घंटे से अधिक के समय तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी एससी और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह जाम लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने वाले 32% आरक्षण में से 12% आरक्षण हटा दिया है, जिससे आरक्षण 20% ही रह गया है, जिसके चलते आदिवासियों में आक्रोश व्याप्त है। तो इस चक्का जाम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। आदिवासियों को जो आरक्षण में 12% घटाया गया है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग में निराशा हुई है और कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण जो अपने एक अच्छे वकील वहां पर भेज करके अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता या लापरवाही के कारण जो आरक्षण घटा है, आज उसी के विरोध में हम इस कांग्रेस सरकार के विरोध में भी खड़े किए हैं कि अभी पुनर्विचार करे। ये बड़ा भारी नुकसान हो गया जनजाति समाज को, कोर्ट से ही मामला है, लेकिन अगर सरकार ध्यान देती तो इस कमी को, ये जो 12% कोर्ट के निर्णय आ गए थे, इसको रोका जा सकता था। कोर्ट का भी एक वर्जन आया है, मैंने किसी ने मुझे बताया है कि सरकार को जिस तरीके से जनजातियों के आरक्षण को ठीक से प्रस्तुत करना चाहिए, उसके लिए जो तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए, कितना बड़ा भूगोल है, कितना बड़ा एरिया है, कितनी आबादी है, ये सारा को ठीक से अगर रखा जाता तो मैं समझता हूँ इस कमी को रोका जा सकता है। ये आरक्षण जाति नहीं, कोर्ट के नहीं।